हे गए, तो अभी तक हमने बहुत सारे कंपैरिजन किए, बट गए आज का कंपैरिजन अब तक का सबसे बड़ा कंपैरिजन होने वाला, क्योंकि गए आज हम करने वाले अब तक के सबसे दो बेस्ट गेम्स के बीच में कंपैरिजन। एक तरफ है कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप, दूसरे तरफ है कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023 ऑफिशियल। तो गए अभी के टाइम यही दो सबसे बेस्ट कार फॉर सेल गेम है, तो अभी हम ये जानेंगे इन दोनों गेम के अंदर भी सबसे बेस्ट गेम कौन सा है। इसके लिए हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, हम देंगे हमारे हिसाब से पॉइंट, मैं अपने मर्जी से पॉइंट दूंगा, आप लोग भी आपके मर्जी से पॉइंट दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं गाइस, आप आपके हिसाब से पॉइंट देना, मैं अपने हिसाब से पॉइंट देगा, ठीक है। तो ऐसा करने से हमें लास्ट में पता चल जाएगा कौन सा गेम बेटर है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप का शोरूम, जो अभी गाइस हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं, अपने मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, मैंने किया था ये लास्ट टाइम, इससे भी बेटर आप कर सकते हो, आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो। अभी मैं ना सबसे पहले आपको ना इसके जो पीसी होता है, जो अपना जो लैपटॉप पीसी जो कुछ भी होता है उसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं चेक करवा देता हूँ, बाद में हम दूसरे गेम का भी देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर अपने को वेब पेज मिल जाता है, उसका अपग्रेड मिल जाता है, डेकोरेशन और ऑफिस एडिट मोड, ये चार ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कहते अपन डेकोरेशन के अंदर पहले ना इसमें ऑफिस एडिट होता था, बट अभी क्या है बस कंटेनर और अपना हाउस है ना, ये दो चीज़ों का डेकोर होता है। अभी कहते ऑफिस एडिट के लिए अलग से ऑप्शन है, आप सभी को पता ही है, उसके अंदर अपन अपने ऑफिस को कितना भी बड़ा अपने मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, ये सभी आपको पता है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ऑफिस अपने मर्जी से जितना बड़ा करना है उतना बड़ा अपन अपने मर्जी से कर सकते हैं, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023 का ऑफिस, और इसके अंदर हमें क्या क्या फंक्शनैलिटी क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑफिस काफी ज्यादा छोटा सा होता है, मतलब एकदम छोटा सा ऑफिस होता है। उसके बाद में इसमें भी हमें चार ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब वेब पेज वगैरह मिल जाता है जिसमें अपन ना कार वार सेल पे लगा सकते हैं, उसके बाद में अपग्रेड करवा सकते हैं ऑफिस को 1-2-3 लेवल तक टो करवा सकते हैं। डेकोरेशन के अंदर हमें ऑफिस को ना डेकोर करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद में हमें इसके अंदर 5 शोरूम मिल जाते हैं जिसका कलर अलग होता है, बाकी सब कुछ सिस्टम वही होता है, बस कलर वाला थोड़ा डेकोरेशन अलग होता है, हम इसको बाय कर सकते हैं, थोड़े महंगे सस्ते होते हैं। उसके बाद में बाहर की टाइल्स है ना उसको चेंज करवा सकते हैं, इसके अंदर भी हमें 5 ऑप्शन मिलते हैं, अंदर की टाइल्स भी चेंज करवा सकते हैं और वॉल का कलर भी चेंज करवा सकते हैं, जिसके अंदर हमें बढ़िया बढ़िया ऑप्शन तो मिल जाते हैं, ठीक है, अच्छी खासे ऑप्शन है। उसके बाद में डेकोर वेकोर थोड़े कुछ चीज़ें है गाइस जो ऐड कर सकते हैं हमारे शोरूम में, जैसे कि लैंप वैम्प लगा सकते हैं और ऐसे कुछ डिज़ाइन विज़ाइन भी बना सकते हैं, ठीक है, ये सारे ऑप्शन हमें डेकोर के अंदर मिल जाते हैं, बाकी और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं गाइस शोरूम के अंदर ना, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद में लीडर बोर्ड में क्या हमारी रैंकिंग वैंकिंग होती है, तो ठीक है, इसके लिए मैं अपना पॉइंट दूंगा कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप को, क्योंकि उसका शोरूम अब तक का सबसे बड़ा शोरूम है, उसको अपन कस्टमाइज करवा सकते हैं, ये सब चीज़ इसके अंदर नहीं कर सकते। अभी गाइस अपन देखेंगे जंक यार्ड में क्या क्या होता है, वो एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी। ठीक है, इसका जंक यार्ड ना ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मल सा जंक यार्ड है, यहाँ पे कुछ एक बड़े से कुछ गाड़ियाँ पड़ी होती है पुरानी बहुत सारी। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक बड़ा सा टो ट्रक भी पड़ा होता है, उससे अपन कुछ यूज़ तो कर नहीं सकते बट वैसे पड़ा होता है। और यहाँ पे एक बंदा होता है जिसके हाथ में बॉटल भी होती है, क्या पहले बॉटल नहीं थी भाई के हाथ में बट अभी बॉटल भी आ गई है, ठीक है, जंक यार्ड, ठीक है, नॉर्मल है, कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद में हमारे कार फॉर सेल का जो जंक यार्ड है ना, वो मतलब प्यारा सा यार, मतलब इसकी डिज़ाइन विज़ाइन सही है, बनी हुई गाड़ियाँ वाड़ियाँ इसके अंदर भी पड़ी होती है, उसके बाद मेटल वेटल इसके अंदर मिलता है, सही कहती है, ये मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है उस गेम से। और यहाँ पे वो बंदा भी होता है जो बाय करता है, ठीक है, इसके लिए मैं अपना पॉइंट दूंगा कार फॉर सेल को, आप आपका पॉइंट उस गेम को दे सकते हो और किसी भी गेम को दे सकते हो, मुझे ये वाला पसंद है इसलिए मैं इसको देता हूँ। इसके बाद में हम डीलरशिप का कंटेनर देखेंगे, ठीक है, कंटेनर है नॉर्मल सा कंटेनर है, कोई इतना बढ़िया नहीं, मतलब कंटेनर है, एक दो कंटेनर बगल में पड़े हुए, उसके बाद में यहाँ पे कुछ ड्रम वरम पड़े होते हैं और कंटेनर के अंदर अपना एक छोटा सा बेड होता है जिसके अंदर जाके मस्त सो जाने का, कुछ और करने का नहीं, मस्त सोने का काम करने का। उसके बाद में हमारे कार फॉर सेल का कंटेनर है, इस पर मस्त मतलब पेंटिंग वेंटिंग बना के रखी, अगल बगल में घर वर पड़े हुए और अच्छी डिज़ाइन डिजाइन तो एकदम सही है यार, इसका कंटेनर तो अच्छा लग रहा है यार मेरे को, ठीक है। तो गाइस इसका पॉइंट भी मैं किस गेम को दूंगा आपका भी समझ ही गऊंगा, मैं इसका पॉइंट दूंगा कार फॉर सेल को दूंगा, मैं अपना पॉइंट ना इसी गेम को दे दूंगा, आपको जिसको देना है ना आप उस गेम को दे सकते हो, ठीक है, इसका कंटेनर मेरे को थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। इसके बाद में गाइस हम देखेंगे डीलरशिप का विलेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, देखो यहाँ से विलेज स्टार्ट होता है, सारे विलेज में कार वार बिकती रहती, पहले पूरे विलेज में नहीं बिकती थी, अभी सारे विलेज में कार्स बिकती है, और जो भी अच्छी अच्छी कार बिकती है, मस्टैंग बिकती है, ऑडी R8 भी बिक जाती है और अच्छी कारें बिकती है। और देखो कितना ज़्यादा बढ़ाई गई, पूरे 2-3 गलियाँ हुए और बहुत सारी कार्स इसमें अपन बाय कर सकते हैं, यानी कि विलेज ना टोटली बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद में विलेज के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ है ना, एक हाउस होता है जिसको अपन बाय कर सकते हैं और उस हाउस के अंदर जाके रह सकते हैं, उसके अंदर सो सकते हैं और उसको डिज़ाइन डेकोर वेकोर भी कर सकते हैं, ये बहुत सही है। अभी देखेंगे तो हमारे कार फॉर सेल का विलेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मतलब देखो इतना छोटा है ना, बस एक 2-3 है, मतलब दो एक ही गली है और सीधा रोड के ऊपर ही विलेज बना के रखा है, छोटा सा है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये छोटा सा विलेज इसका होता है, ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी नहीं होती हैं। इसके लिए अभी मैं अपना पॉइंट दूंगा
डीलरशिप को, क्योंकि उसका विलेना बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अपना पॉइंट मैं अभी डीलरशिप को दे रहा हूँ, आपको कौन सी गेम को देना आप दे सकते हो, और आपके पॉइंट मुझे लास्ट में कमेंट करके बता भी सकते हो। और अभी हम देखेंगे डीलरशिप का कार मार्केट, जो काफ़ी मस्त है, मतलब कार मार्केट ना बहुत ज़्यादा सही है। ठीक है, कार मार्केट देखो, इसमें ना बहुत सारी कार्स बिकती रहती है, बंदे बंदे खड़े होते हैं बहुत सारे, उसके बाद में एक छोटी सी शॉप भी होती है जिसमें अपन कुछ बाय कर नहीं सकते। कार वार सही होती है, मतलब अच्छी खासी कार होती है, जो इसमें कुछ अच्छी कार भी आती है, जैसे कूपे गए, उसके बाद में फोर्चे भी आ जाती है, मस्टैंग भी आ जाती है, टेस्ला भी आती है। कार्स ना काफ़ी सारी होती हैं जो बाय करनी आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब अच्छी खासी कार तो होती है। देखो बहुत सारी कार होती है, मतलब 8-9 कार तो यहाँ पे बिकी जाती है, मतलब अच्छी कार है। और कार मार्केट में हमें अच्छी खासी कार मिलती है। उसके बाद में हम देखेंगे कार फॉर सेल का कार मार्केट, जो कुछ इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं दोनों कार मार्केट में। उस कार मार्केट में बस ना ऐसा, मतलब ऐसा ऊपर से रो हाउस टाइप बना, और ये वाला जो है ना यहाँ का ना पूरा ओपन होता है, और यहाँ पे भी बहुत सारी कार बिकती है, अच्छी कारें भी बिकती रहती है, और यहाँ पे भी एक शॉप वॉप भी पड़ी, और ये भी सही तो है। ठीक है, तो इस कार मार्केट में भी ना अपने को सारी कार मिल जाती है, जो उस गेम में मिलती है वही कार यहाँ भी मिल जाती है। यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं, दोनों का मेरे को सेम ही लगता है, इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं लगता, दोनों मेरे को एकदम सेम टू सेम लग रहे हैं, इसलिए मैं अपने पॉइंट ना दोनों को एक एक दे दूंगा। कार मार्केट सेम ही, कुछ इतना ज़्यादा चेंज नहीं है, इसलिए मैं अपने दोनों को एक एक पॉइंट देता हूँ इसके लिए। इसके बाद में कहते हम देखेंगे डीलरशिप का बार स्टार, ठीक है स्टार होना चाहिए था बट कुछ अलग ही नाम रखे। उसके बाद में इसके अंदर क्या क्या मिलता है, ब्लैक मार्केट वाला बंदा बाहर खड़ा होता है मस्त स्टाइल से, और यहाँ पे अपन उससे कुछ बाय बाय कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ना कई सारे टेबल्स होते हैं, उसके बाद में यहाँ पे एक बंदा होता है ना, ये हमें देता है गाइस बियर, बियर बेचता है ये बंदा, पता है क्या, इससे बियर बाय करने के, और अपन यहाँ से मस्त से ड्रिंक भी कर सकते हैं और मस्त नशे में भी जा सकते हैं। ठीक है, बियर पीने के बाद में ना पूरी स्क्रीनें सीलती है, आपको तो पता ही होगा, ये बताने की जरूरत नहीं मेरे को। ज़्यादा बियर अगर पी लेते ना तो पूरी स्क्रीन हिलने लग जाती। उसके बाद में जो पिछली रूम है ना, वहाँ बंदे कुछ गेम खेलते रहते हैं, यहाँ पे अपन पैसे कमा भी सकते हैं और पैसे हार भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ना हार के दिखा देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे अपन जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, इसकी ट्रिक तो मैंने एक वीडियो में बताई थी, अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो वो जाके देख लेना। यहाँ पे आप अनलिमिटेड डॉलर कमा सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अभी देखोगे यहाँ पे अपन कार्ड वार्ड खेल सकते हैं। उसके बाद में अभी तो मैं हारने वाला हूँ, मेरे को पता है। ठीक है, फिर भी अपन ट्राई कर लेते थे टाइम पास के लिए, ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पता था, ठीक है, हार गया मैं। ओके, तो यहाँ से निकल जाते हैं। बार बार तो सही गए, यहाँ का बार काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और बियर वियर मिलती है, और यहाँ पे अपन ताश वाश भी खेल सकते हैं ना, सिस्टम बहुत सही है। यहाँ का जो एरिया है ना वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। बार का जो सिस्टम है वो पूरा सही है। अभी गए हमारे कार फॉर से लेना, यहाँ पे बार नहीं, यहाँ पे कैफे, और गए यहाँ पे भी ब्लैक मार्केट वाला बंदा बाहर खड़ा होता है, जो दो चीज़ें बेचता है, हैमर और अपना टैबलेट, और अंदर भी बंदे बैठे होते हैं बाहर के अंदर, मतलब बाहर नहीं ये कैफे, और ये बंदा कॉफ़ी बेचता है। यहाँ पे कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं मिलती भाई, यहाँ पे मिलती है कॉफ़ी, ये अच्छी चीज़ है यार, कॉफ़ी मिलती है, कॉफ़ी पियो आइश करो। और पिछले वाले रूम में क्या होता है, मतलब बंदे बैठे होते, गेम वेम कुछ होता नहीं, यहाँ पे बस बंदे बैठे होते आराम से, इसीलिए गए इस गेम के अंदर मतलब इतनी ज़्यादा फीचर नहीं कह सकते हम। ठीक है, नॉर्मल ही गए, बट गए इसके लिए मैं अपना पॉइंट किसे दूंगा, मैं दूंगा अपना पॉइंट डीलरशिप को, क्योंकि उसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा बड़ा भी देखने मिल जाता है, और उसी के बाद में गए हमें उसके अंदर हमें गेम भी देखने मिल जाता है, एक्स्ट्रा गेम भी देखने मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हमारी ड्रैग रेस, ड्रैग रेस के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, डीलरशिप की ड्रैग रेस होती है, यहाँ पे तीन तीन कार कभी कभी होती है, कभी एक दो कार होती है, और यहाँ पे देखो बड़ा सा स्टेडियम भी मिल जाता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे आगे स्टॉपर भी लगा होता है, यानी कि आगे नहीं जाना चाहिए ना कार, इसलिए इन्होंने स्टॉपर लगा के रखा है, वरना क्या होता था कभी कभी हमें स्टॉपर से आगे निकल जाते थे, उससे गेम खराब हो जाता था, बट अभी यहाँ पे मस्त स्टॉपर लगा के रखा है, ये तभी उठता है जब हमारी रेस स्टार्ट होती है। ठीक है, ड्रैग रेस स्टार्ट होने में, उसके बाद में ड्रैग रेस में क्या, हमें मतलब कार वार को मतलब दौड़ाना पड़ता है, उसके बाद में शिफ्टिंग करो फटाफट और आराम से जीत जाओ। निसान जीटीआर अपनी कभी हारती नहीं है, ये तो आप सभी को पता है, कौन सी भी कार हो कभी निसान जीटीआर हारती नहीं, और वो कार इतनी अगले जन्म में आ जाएगी, वो इस जन्म में आएगी नहीं। ठीक है, तो ड्रैग रेस तो ठीक है अच्छी गई, अभी हम देखेंगे कार फॉर सेल सिमुलेटर की ड्रैग रेस, जहाँ पे तगड़ी तगड़ी कार तो होती है। ठीक है, मेरी कार को क्या हुआ, ठीक है मेरी कार यहाँ पे खड़ी है, इसको मैं लेके जाता हूँ और ड्रैग रेस करता हूँ। ठीक है, अब ये क्या, अब इसके अंदर तो फ्यूल ही नहीं है। ठीक है, फ्यूल भरवाना पड़ेगा, अभी फ्यूल भरवाने के लिए क्या है, एक मिनट में यही से फ्यूल ऐड करवा सकता हूँ ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, मैं करवा सकता हूँ, ये अच्छी चीज़ है, फ्यूल मैंने यही से ऐड करवा दिया, ये तो बाकी गेम में भी इस गेम के अंदर भी मिल जाता है। ओके, तो अभी करेंगे अपन ड्रैग रेस तगड़ी वाली कार के साथ में, वैसे मेरी कार भी ना बहुत ज़्यादा तगड़ी तो है। अभी देखते भैया इसके ड्रैग रेस में क्या क्या चेंजेस और क्या क्या मजे है। ठीक है, एयरपोर्ट का एरिया हमें मिल जाता है, 1500 की ड्रैग रेस है। अभी देखते भैया ड्रैग रेस में क्या क्या चीज़ है, इसका पॉइंट किसको जाएंगे, आपको क्या लगता है इस गेम का पॉइंट किसको जाने वाला है। ठीक है, ड्रैग रेस के लिए होगी, ठीक है यहाँ पे कुछ स्टॉपर वगैरह नहीं होता है, स्टेडियम भी थोड़ा छोटा जरूर है बट ठीक ठाक, और रात में हो रही है ड्रैग रेस, वहाँ तो दिन ही था यार, बाहर तो दिन था, यहाँ पे रात हो गई है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी दौड़ाते गए अपनी कार फुल स्पीड में और देखते कौन सी कार जीतेगी, अपनी कार जीतने वाली होगी, ठीक है वो कार तो निकल गया बट नहीं यार,
और पनी जीतने वाले होके आराम से निकल गए मैं आगे और ड्रैग रेस आराम से कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, उस कार को आराम से लपेट दिया। ओके गए, तो ड्रैग रेस तो दोनों कार मतलब दोनों गेम की ठीक ठाक गए, बट गए मैं इसका पॉइंट गए डीलरशिप को देने वाला हूँ, क्योंकि उसकी ड्रैग रेस थोड़ी बेटर है और वहाँ पर कुछ रियर कार भी आती है और उसका इन्वायरमेंट और एरिया वेरिया है ना सब कुछ ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, मतलब बहुत ज़्यादा बेटर है, इस गेम से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट अपना डीलरशिप को दे दिया। अभी गए हम देखेंगे गैस स्टेशन, और गैस स्टेशन में हमें क्या क्या मिलता है। गैस स्टेशन एक नॉर्मल सा गैस स्टेशन, यहाँ पे हम गैस वैस भरवा सकते और वहाँ पे कार वॉश भी होता है। कार वॉश करवाने के लिए इधर कार पार्क कर देने की, उसके बाद में बंदे के पास जाके क्या अपने को कार वॉश करनी है। कितने डॉलर लेता है बंदे, $50 ले लेता है। $50 देने के थोड़ी देर में कार वॉश होती है और कार वॉश होने के बाद में देखो ऐसी क्लीन बन जाती है ना, टोटली मतलब चमचमा जाती है। और यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कार पार्क कर सकते हैं, उसके बाद में वहाँ पे जाके ना फ्यूल भरवा सकते हैं, यानी कि फुल टैंक वैंक करवा सकते हैं। यहाँ पे शॉप ऑफ होती है, बस वो कभी ओपन होती नहीं, शॉप होती जरूर है बट वो कब ओपन होगी पता नहीं, हो जाने चाहिए कभी ना कभी। उसके बाद में थोड़ी देर में मतलब थोड़ा टाइम तो लेता है, एक मिनट तो ये बंदा ले लेता है वॉश करवाने में। ठीक है, थोड़ा वेट यहाँ पे करना पड़ता है, वेट करने के बाद क्या हमारी कार ना वॉश हो जाएगी। ओके अभी वॉश तो हो गई है, अभी देखो अपनी कार क्या चमचमाती बन गई, एकदम क्लीन हो गई है और एकदम चमचमा रही है। ठीक है, तो इसका कार वॉश वगैरह मस्त एरिया वेरिया बहुत ज़्यादा सही है। अभी गए हमारे दूसरे वाला गेम का एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी सेम है गए अपना जो इन्वायरमेंट वगैरह सही है, उसके बाद में यहाँ पे गैस वैस भरवानी है ना, सेम वही सिस्टम है। कार वॉशिंग का भी सही है, मतलब ठीक ठाक सेम है, बट यहाँ का थोड़ा एरिया वेरिया ना वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, इसीलिए मैं पॉइंट नगद इस वाले कार फॉर सेल को दे दूंगा इसके लिए। ठीक है, अभी गए हम देखेंगे डीलरशिप का गैरेज, तीन तीन गैरेज है। पहला ना अपना पेंट वेंट करने का है, यहाँ पे कि अपने को कार पेंट करवा सकते हैं, मतलब अच्छे से पेंट वेंट करवा देता है ये बंदा, और कलर के ऑप्शन तो अपने को सारे मिल जाते हैं। अपने मर्जी से पॉलिश वॉलिश करवानी ना वो भी करवा सकते हैं, जैसा आपको करवाना है वैसा अपने मर्जी से अपन करवा सकते हैं। अभी गए इसके बाद में हमें ना तीन तीन गैरेज मिल जाते हैं, और तीनों गैरेज में क्या एक में मॉडिफिकेशन होता है और एक में होता है रिपेयर। रिपेयर वेपेयर करवाने के बाद में क्या अपन मॉडिफिकेशन भी यहाँ करवा सकते हैं, या किसने कार ला के पार्क कर दिया। ठीक है, तब तक मैं कार रिपेयर करवा लेता हूँ, आपको दिखाते हो रिपेयर वाला सिस्टम क्या है। ओके, तो यहाँ पे ना अपन कार रिपेयर करवा सकते हैं, अपनी कार कितनी भी डैमेज हो ये पर ला के पार्क करने की, उसके बाद में इस बंदे से बात करने की, ये बंदा अपनी कार ना दो तीन मिनट में रिपेयर करवा देता है। जब तक कार रिपेयर हो रही है तब तक ना आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना सभी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना, और लास्ट में कमेंट करके बता देना दोनों गेम के अंदर से बेस्ट गेम कौन सा है। ठीक है, अभी कहते अपनी कार यहाँ पे रिपेयर हो गई, रिपेयर होने के बाद ना अपनी कार पूरी टोटली न्यू बन जाती है, एकदम न्यू चकाचक बन जाती है। उसके बाद में वहाँ पे मॉडिफिकेशन वगैरह हो जाता है, वो चीज़ तो आपको पता ही है, वो मेरे को दिखाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, वहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, अभी कहते अपना सेकंड वाला गेम है कार फॉर सेल, उसका गैरेज देखेंगे। यहाँ पे भी तीन तीन गैरेज होते हैं, सेम टू सेम वही सिचुएशन है। तो यहाँ का जो पहला बंदा है ना वो अपनी कार ना पेंट करवा देता है, यहाँ पे ये भी सारे सिस्टम अपने को दे देता है, जितने फीचर वो वाला गेम देता है उतने फीचर ये वाला बंदा भी देता है। पेंटिंग में नगद सारे फीचर अपने को मिल जाते हैं, पॉलिश करवा सकते हैं, मेटलिक करवा सकते हैं, उसके बाद में कलर वाला चेंज करवा सकते हैं, अपने को जो कलर करवाना है ना वो कलर अपन अपने मर्जी से पेंट करवा सकते हैं, यानी अच्छे से जो आपको पसंद आएगा ना वो कलर यहाँ से सेलेक्ट करो और मस्त से पेंट करवा दो। उसके बाद में थोड़े $1,500 लेता है, थोड़ा महंगा जरूर है बंदा, पर चलो ठीक है, अच्छी पेंट करवाता है। ठीक है, $1,500 इसको देने की, कार पेंट करवा देने की, उसके बाद में बीच में वाला जो बीच वाला है ना वहाँ पे कार मॉडिफिकेशन होती है, मतलब यहाँ पे क्या हम कार के अंदर नगर बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करवा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें गए, मतलब अपने को जो करवाना है सब कुछ करवा सकते हैं, रेसिंग किट, उसके बाद में टर्बो नाइट्रोजन, उसके बाद में सस्पेंशन उठा सकते हैं, लाइट के कलर, प्लेट का नेम, उसके बाद में हमारे टायर वायर, और टायर वायर के ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते, ज़्यादा नहीं बट गए उस गेम से थोड़े बेटर टायर्स तो इसमें मिल जाते गए, क्योंकि इस गेम के अंदर जितने भी व्हील है ना यार मस्त मस्त है, मतलब कुछ ज़्यादा बेटर मेरे को लगते, बट गए उस गेम के अंदर अपने को फीचर भी अच्छे मिलते हैं और उसका गैरेज भी सही है, बट इसमें जो अपने जो टायर्स हैं गए वो बहुत ज़्यादा सही है, मतलब सही तो लगते यार, मतलब अच्छी खासे। उसके बाद में रिपेयर विपेयर का वही सिस्टम है, यहाँ पे लेके कार पार्क कर दो, यहाँ पे एक ही होता है उसका, उस गेम के अंदर ना दो दो होते और अपन टो करवा के दो दो कार एक साथ ना रिपेयर भी करवा सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है एक ही कार रिपेयर करवा सकते हैं, मतलब थोड़ा टाइम भी लगता है और सेम है सिचुएशन। तो दोनों गेम के अंदर जो गैरेज है ना वहाँ पे अपने को सेम टू सेम ही मिल जाता है, जो कुछ भी चीज़ है ना सब सेम टू सेम मिलती है। यहाँ पे अपन कार वार रिपेयर करवा सकते हैं, उस गेम के अंदर भी सेम टू सेम वही करवा सकते हैं। उसके बाद में इस उस गेम में ना दो जरूर होते गए रिपेयर करवाने के, बट इस गेम में ना एक ही होता है। तो गए मुझे ना गए तो मुझे तो गए डीलरशिप का गैरेज ज़्यादा पसंद है। आपको अगर इस गेम का पसंद है तो आप पॉइंट इसको दे सकते हो, मुझे डीलरशिप का ज़्यादा पसंद आया तो मैंने उस गेम को पॉइंट दे दिया। ठीक है, अभी गए हम देखेंगे डीलरशिप के अंदर हमें क्या क्या स्किल पॉइंट का फीचर क्या गया,
सेम टू सेम है, मतलब यहाँ पे भी हमें कई सारे स्किल पॉइंट मिल जाते हैं। जो स्किल पॉइंट का जो पूरा ट्री है ना, इसमें क्या है अपने जो बार्गिंग वर्किंग होती है ना वो सारे सिस्टम मिलते हैं। उसके बाद में अपने को कार और डैमेज वगैरह ये सब चीज़ें अपन बढ़वा सकते हैं स्किल पॉइंट से, ज़्यादा नहीं सब कुछ सेम टू सेम है। उसके बाद में हमारे इन्वेंटरी में ना गज हमें ये सारे फीचर मिलते हैं, जितने भी फीचर हैं गज देखो हमें टैबलेट कार और ड्रिंक है हमारे, ये सारे सिस्टम अपने को इसके अंदर मिल जाते हैं। और गज अभी हमारे जो सेकंड वाला गेम है गज कार फॉर सेल, इसके इन्वेंटरी में भी वही सारे फीचर मिल जाते हैं जितने उस गेम के अंदर है ना, सारे फीचर इस गेम के अंदर भी मिल जाते हैं। उसके बाद में गज हमारे इन्वेंटरी में हमारा टैबलेट वैबलेट होता है, ये तो सब उसी गेम के अंदर भी होता है, जहाँ फोटो वोटो तो वहाँ पर भी हम खींच सकते हैं, इस गेम के अंदर भी खींच सकते हैं। उसके बाद में गैलरी में सेव भी कर सकते हैं, गैलरी में काफ़ी ज़्यादा फोटो। उसके बाद में कार वार वॉच भी कर सकते हैं, दोनों गेम के अंदर सेम टू सेम है गज। उसके बाद में गज हमारे जो स्किल ट्री है गज इसके अंदर भी सेम टू सेम वही है, देखो यहाँ पे देखो स्पिंच वगैरह। उसके बाद में गज हमारी स्किल जितनी भी हम अनलॉक करेंगे हम गेम में बेटर होते जाएंगे, बारह स्किल अनलॉक करेंगे। उसके बाद में हमारा जो एम्प्लॉय होता है उसकी स्किल अनलॉक करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा फीचर हमें मिलते हैं। उसके बाद में जो कार वार की जो स्पीड है ना गज वो भी थोड़ी डैमेज वैमेज कम करना, उसके बाद में जो कार पेंटिंग कार वॉशिंग उसकी स्पीड भी ज़्यादा बढ़ा देना, ये सारे सिस्टम होते गए। तो ये अभी दोनों गेम है ना सेम टू सेम ही गए, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके लिए मैं दोनों पॉइंट ना एक एक दे दे दूँगा, दोनों गेम को ना एक एक पॉइंट दे देते। ओके तो अभी देखेंगे हम कार ऑक्शन डीलरशिप का कार ऑक्शन के नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल नहीं सही होता है, ये तो मैंने थोड़ा पुराना वाला कार ऑक्शन इधर लगा दिया बट चलता है गज। इससे हम थोड़े डॉलर में ना पहले तो टिकट बाय कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे बैठ जाएंगे। कार ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे ना रियर रियर कार भी आती गज, कभी कभी निसान GTR आ जाती, मतलब कभी कभी नहीं सालों लग जाते भैया। कितने सारे बंदे जो कई महीनों से कह रहे मेरे को कमेंट करके बोलते भाई हमें कोई रियर कार मिल नहीं रही। कभी कभी क्या होता है गज मतलब सालों में भी ना रियर कार आती नहीं, कभी कभी एक आधी बार आ जाती है, बहुत मुश्किल से यहाँ पे रियर कार आती है, रियर कार मिलती नहीं है। ये जरूर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस गेम की, जो कार ऑप्शन है ना उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर ना रियर कार जल्दी आती नहीं, तीन चार रियर कार है गाइस बट वो जल्दी जल्दी मिलती नहीं, टाइम लगता है बहुत ही टाइम लगता है। कभी कभी आप अगर बहुत ज़्यादा लकी हो ना तभी आपको रियर कार मिलेगी, वैसे तो आपको रियर कार मिलने से ना रही गई। तो गाइस इस गेम का कार ऑप्शन का जो सिस्टम है ना वो भी बाकी गेम्स की तरह आपको बीट वीट लगानी पड़ती है, चार ऑप्शन अपने को मिलते हैं, अपने को बीट लगानी पड़ती है, कार की जो प्राइस वाइज वो सामने आती है, बाकी सब सिस्टम तो वैसे ही गई। कार ऑप्शन में क्या अपने को बीट वीट लगाओ, कार अपने को पसंद आई तो बाय करो, अपने पास में डॉलर होंगे तो जितनी ज़्यादा बीट लगाएंगे उतने में अपने को मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे कार फॉर सेल सिमुलेटर का कार ऑक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या बंदे बंदे बैठे होते हैं बाहर मस्त, चेयर पे भी काफ़ी सारे बंदे बैठे होते हैं, वहाँ पे टिकट विकेट बेचता रहता है एक बंदा जो मस्त बंदा होता है। उसके बाद में यहाँ पे देखो बहुत सारे बंदे होते हैं, हम भी यहीं पर बैठ जाते हैं और थोड़ा वेट कर लेते हैं और अपना कार ऑक्शन अभी देखो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कार ऑक्शन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे भी ना अच्छी अच्छी कार बिकती है, यहाँ पे ना रियर कार अपने को जल्दी मिल सकती है, क्योंकि इसमें ना मैं अभी लास्ट टाइम ही खेल रहा था ना तो मेरे को एक रियर कार आ गई थी जल्दी से, बट मेरे पास में डॉलर नहीं थे ना इस वजह से मैं उसको बाय नहीं कर पाया था। तो इसका कार ऑप्शन लेने गए तो थोड़ा ठीक ठाक है, दोनों गेम का मतलब सेम ही, ज़्यादा फर्क नहीं है। इस गेम के अंदर भी रियर कार है, उस गेम के अंदर भी रियर कार है, बट इस गेम के अंदर की जो रियर कार है ना वो थोड़ी जल्दी अपने को मिल सकती है बट उस गेम के अंदर नहीं मिलती। बाकी या बंदे बंदे बैठे होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट वगैरह भी सही होता है, तो दोनों में सेम टू सेम है, बट मेरे को थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा कार फॉर सेल 2023 का, यानी कि ये गेम का ना इसका कार ऑप्शन मेरे को थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा, इसीलिए मैं अपना पॉइंट इस गेम को दे रहा होगा। बिल्कुल से मैंने इसको दे दिया, आपने जिस गेम को दिया होगा आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो अभी क्या जिन दोनों गेम की जो जितनी भी चीज़ें थी ना वो सारी मैंने कंपैरिजन कर ली, तो मैंने ये जो पॉइंट देने का वो मैंने अपने हिसाब से दे दिए। तो मेरे हिसाब से गज डीलरशिप बेस्ट है, ये मेरे हिसाब से गज, आपने आपके हिसाब से पॉइंट दिए होंगे तो आपके हिसाब से कुछ अलग होगा, तो आप वो कमेंट करके बता सकते हो आपको कौन सा गेम बेटर लग रहा है, वो जल्दी से कमेंट कर दो। और गाइस चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना।